नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। आइए नजर डालते हैं आज के जिले की खबरों पर। जुबली तालाब के किनारे आज सुबह 9 बजे एक नवजात शिशु बरामद किया गया है। तालाब में नहाने गई बांधपाड़ा की महिलाओं ने एक शिशु के रोने की आवाज सुनकर उस ओर गई तो लावारिस हालत में बच्ची रो रही थी। उसके बाद महिलाओं ने बच्ची को गोद में उठाकर कपड़े पर लिटाया और पुलिस को फोन कर सूचना दी, जिसके बाद सदर थाना और बाल संरक्षण के पदाधिकारी पहुंचे और बच्ची को कुपोषण उपचार केंद्र में भर्ती कराया गया। बरामद नवजात बच्ची 1 सप्ताह की है, लेकिन उसकी हालत गंभीर है। कुपोषण उपचार केंद्र में उसका इलाज शुरू कर दिया गया है, जहां नर्स और डॉक्टर उसे बचाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। 10 दिन के भीतर मानवता को शर्मसार करने वाली यह दूसरी घटना है। लोग हैरान हैं कि एक माँ आखिर कैसे और क्यों अपने शिशु को इस तरह फेंक रही है। इसके पहले मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक नवजात शिशु को गड्ढे से बरामद किया गया था, जो अभी भी कुपोषण उपचार केंद्र में ही भर्ती है और उसका इलाज भी जारी है। दो दो नवजातों की बरामदगी से चैबासा और आसपास के क्षेत्रों में कई तरह के चर्चे हो रहे हैं। पुलिस भी दोनों मामलों को खुलासा करने में जुटी हुई है। खुद सदर SDPO दोनों मामलों में FIR दर्ज कर मामले की जांच कर रहे हैं। वहीं बाल संरक्षण समिति भी अपने स्तर से दोनों शिशुओं के माता पिता की जानकारी जुटाने में लगी है। आज प्रातः सूचना मिली कि लगभग 9 बजे यह सूचना मिली कि जुबली तालाब से बांध पड़ा जाने वाली सड़क के पास एक नवजात को दुधमुंहे बच्चे को किसी के द्वारा रख दिया गया है। और बच्चे की आवाज़ सुनाई दी तो कुछ राहगीरों के द्वारा और एक पदाधिकारी के माध्यम से मुझे यह सूचना मिली। तत्पश्चात संबंधित सदर थाना को और चाइल्ड लाइन को सूचित किया गया और विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए अभी बच्चे को कुपोषण उपचार केंद्र सदर अस्पताल चाईबासा में भर्ती कराया गया है। और मामले की छानबीन की जा रही है कि यह बच्चा कहां से आया। हम लोग अभी इस मामले की तहकीकात भी कर रहे हैं और यह निस्संदेह मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। इस मामले में चाईबासा पुलिस के द्वारा विधिसम्मत कार्रवाई भी की जाएगी। JJ एक्ट की सुसंगत धाराओं एवं IPC की सुसंगत धाराओं में एक चाइल्ड लाइन चाईबासा के पदाधिकारियों के लिखित आवेदन के आधार पर और हम लोग इसके तह तक जाएंगे कि किस दंपत्ति के द्वारा या फिर किस व्यक्ति के द्वारा ऐसा अपराध किया गया है। मामले की छानबीन करेंगे और अनुसंधान कांड दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ करेंगे। सुबह फोन द्वारा वार्ड कमिश्नर के हस्बैंड बिल्लू राय जी ने सूचना दिया कि नानपाड़ा तालाब के पास में नवजात शिशु पाया गया। जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी पुनीता जी और बाल कल्याण समिति के सदस्य संजय और चाइल्ड लाइन के जय दुकाल जी जिला पुलिस के सदर थाना प्रभारी साहब को सूचित कर हम लोग वहाँ सब पहुँचे तो पाया कि मोहल्ले वाले वहाँ पर थे और उन्होंने था बच्ची को एक महिला गोद में ली गई थी और घटना सही पाई गई। फिर सदर अस्पताल से मान न्यूट्रिशन सेंटर से एम्बुलेंस मंगवा कर बालिका को पुलिस अभिरक्षा में यहाँ कुपोषण उपचार केंद्र में भर्ती करा दिया गया है, जहाँ डॉक्टर जगन्नाथ मंडल बच्ची के स्वास्थ्य का देखभाल कर रहे हैं। आगे की कार्रवाई बाल कल्याण समिति और जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत जिला पुलिस के साथ करेगी। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए केंद्र सरकार की ओर से जारी लॉकडाउन 3 में गरीब, असहाय, बुजुर्गों और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर की ओर से गर्म भोजन वितरण का अभियान शुरू किया गया है। मंत्री के समर्थकों ने यह अभियान 6 मई से 17 मई तक चलाने का निर्णय लिया है। खिरवाल धर्मशाला से गर्म भोजन से लदे वाहन को आमला टोला सार्वजनिन काली पूजा समिति के पदाधिकारियों ने नारियल फोड़कर रवाना किया। समिति के सचिव पवित्र कुमार भट्टाचार्य ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान शहर के विभिन्न मोहल्लों में गर्म भोजन का वितरण किया जाएगा,
भोजन स्वास्थ्य मानकों का पालन करते हुए तैयार कराया गया है। समिति के सदस्य भोजन वितरण में सहयोग करेंगे। सार्वजनिक काली पूजा आमलेट हमारे मुख्य संरक्षक श्री मिथेश कुमार ठाकुर जी, माननीय मंत्री झारखंड सरकार के मार्गदर्शन से आज आमला टोला काली पूजा समिति शहर में कोरोना के जो लॉकडाउन चल रहा है उसके अंतर्गत हम लोग शहर के उन बस्ती में जाकर गर्म भोजन का वितरण करेंगे, जहां पर असहाय लोग हैं, मजबूर व्यक्ति हैं, निर्धन लोग हैं। हम लोग ये प्रयास करेंगे कि गर्म भोजन और स्वच्छ और साफ सुथरा भोजन उन जरूरतमंदों के बीच पहुँचाएँ और उनके का जो जरूरत है उनको हम लोग पूरा करें। और हमारे संरक्षक जी के आदेशानुसार हम लोग जब तक अब कोरोना रहेगा तब तक लॉकडाउन है, तब तक हम लोग यह गर्म पानी गर्म भोजन का वितरण हम लोग निरंतर शहर के विभिन्न मोहल्लों में जा जाकर उनके आवास पर पहुंचकर हम लोग भोजन का वितरण करेंगे। आए दिनों आ रही आंधी और बारिश में शहर से लेकर गाँव तक के लोगों के आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर रखा है। आंधी और बारिश के कारण लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब तक कई घरों के छत उड़ गए हैं, तो कितने ही घर धाराशाही हो गए हैं। आंधी और बारिश के कारण सारंडा के ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा किरीबुरु और मेगा हाथोबुरु टाउनशिप में भी काफी क्षति हो रही है। मंगलवार की रात आई तेज हवा और बारिश ने कई घरों को नुकसान पहुँचाया है। कुछ घरों के छत उड़ गए तो कई कच्चे मकान धाराशाही हो गए। किरीबुरु टाउनशिप में स्थित बिजली सब स्टेशन की छत उड़ गई, जिसके कारण वहां रखे हुए सामान को नुकसान हुआ है। तेज हवा के कारण बड़े बड़े पेड़ मकानों और दुकानों पर गिर पड़े हैं। मुख्य मार्गों पर पेड़ गिर जाने के कारण लंबे समय तक आवागमन बाधित रहा। बिजली के तार पर पेड़ों की डालियां गिरने से बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। मौसम की इस मार के कारण पूरे जिले में कमोवेश यही स्थिति रही। हम लोग का टाउनशिप बिजली ऑफिस को पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है और पूरा उड़ गया है उसमें, और कई जगह में भी ऐसे ही उड़ा है, छत वगैरह उड़ा है कल के आंधी तूफान में। और कभी भी लाइन में पेड़ गिर गया था, उसको मैंने सुबह ही उसको हटा के क्लियर करा के अभी मैं चार करने जा रहा हूँ लाइन। बिजली खंभे पर भी कहीं इस तरह का पेड़ गिरने की खबर आ रही है क्या? बिजली वैसे खबर नहीं है, लेकिन बिजली तार में गिरा था जिसको मैंने हटाया अभी तार। कहाँ पे? वो क्लब के सामने, किरपुर ऑफिसर्स क्लब के सामने में है, जो सगवान के पेड़ है वो जाके लाइन में एडमिट की लाइन में गिर के क्षतिग्रस्त हो गया था, उसको मैंने हटा दिया, क्लियर कर दिया। मतलब इस बार काफी क्षति महसूस हुआ? हाँ, काफी काफी जो आंधी तूफान में काफी क्षति महसूस हुई है। कोविड 19 के संक्रमण के कारण पूरे विश्व में लॉकडाउन की स्थिति है। देश में शैक्षणिक और आर्थिक गतिविधियां लगभग पूरी तरह बंद है। शैक्षणिक गतिविधियां बंद होने के कारण विद्यार्थियों के पठन पाठन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज प्रबंधन ने ऑनलाइन कक्षाओं की व्यवस्था शुरू की है, ताकि छात्रों का बहुमूल्य समय बर्बाद न हो। बच्चे अपने घरों में कैद है, लेकिन ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से उनकी पढ़ाई जारी है। ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से वह अपने शिक्षकों के समक्ष समस्याएं रखते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। इतना ही नहीं, कॉलेज प्रबंधन छात्रों के लिए ऑनलाइन नोट्स और पीडीएफ की व्यवस्था भी कर रहा है। जरूरत के हिसाब से क्विज भी कराया जा रहा है, जिससे छात्रों को अध्ययन में काफी सहायता मिल रही है। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आय रॉय ने कहा कि ऑनलाइन शिक्षण शुरू होने से विद्यार्थियों की ओर से भी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। NPTEL के लाइव क्लासेस भी छात्रों के लिए उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिसमें छात्रों को IIT के प्रोफेसर मार्गदर्शन करते हैं और छात्रों के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और प्लेसमेंट संबंधी जानकारी देते हैं। उन्होंने बताया कि डेटा विश्लेषण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी विशेष जानकारी दी जा रही है, जो कि विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभप्रद है। पावर सिस्टम से संबंधित वेबिनार सेशन चलाए जा रहे हैं। इसके माध्यम से IIT मद्रास के प्रोफेसर एंड्रयू तंगराज ने
एस्टिमेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ मिसिंग मास के विषय में छात्रों को जानकारी दी। इन दिस सिचुएशन इवन वी आर एबल टू अटेंड आवर क्लासेस थ्रू द प्लेटफॉर्म एंड इट इज रियली अ गुड मूव टेकन बाय द गवर्नमेंट एज वेल एज द कॉलेज अथॉरिटीज। We can even clear our doubts as well as it help us in taking the guidelines of all the faculties. And the step taken by the government to overcome the situation is social distancing and work from home. But sometimes we even face the problems due to network issues. But although I want to say that it is really a good move, it is helping a lot. As we already know that our government has declared that the classes will be suspended till the further instructions due to COVID-19. Even we can study at home due to our teachers, mentors, as they are creating live classes, sessions, Google Classroom, and even topic-wise videos that are really very beneficial for us. So thank you all teachers for encouraging us. रोरो माइन से प्रभावित क्षेत्र में चलाए जा रहे राहत कार्यों के उपायुक्त अरवा राजकमल ने समीक्षा की। समीक्षा बैठक में उप विकास आयुक्त आदित्य रंजन, सारंडा वन प्रमंडल पदाधिकारी रजनीश कुमार, चैबासा वन प्रमंडल पदाधिकारी सत्यम कुमार, सिविल सर्जन डॉक्टर मंजू दुबे, जिला खनन पदाधिकारी संजीव कुमार मौजूद रहे। उपायुक्त ने बताया कि रोरो माइन से प्रदूषण से प्रभावित परिवारों के संबंध में एक PIL झारखंड उच्च न्यायालय में दायर की गई है तथा माननीय न्यायालय के निर्देश पर समिति का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि समिति की देखरेख में क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों का लगातार पर्यवेक्षण किया जा रहा है तथा आज समिति के सदस्यों की उपस्थिति में चलाए जा रहे राहत कार्यों की समीक्षा की गई। संपूर्ण तालाबंदी के दौरान कार्यकारी एजेंसी के द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किया गया था, लेकिन वर्तमान में कार्य शुरू होने की स्थिति में है और इसी तरह वन विभाग के द्वारा जो कार्य किए जाने हैं उनमें से कुछ कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा कुछ कार्य प्रगति पर हैं। उपायुक्त ने बताया कि आज की बैठक में रोरो क्षेत्र में सिलिकोसिस से प्रभावित लोगों की जांच कराने का निर्णय लिया गया है। पूर्व में भी प्रभावित लोगों की जांच करवाई गई है जिसकी अंतिम रिपोर्ट आना भी बाकी है। प्रभावित व्यक्तियों को सुविधा जैसे मुआवजा का प्रबंधन, इलाज की समुचित व्यवस्था आदि विषयों पर चर्चा के साथ साथ उस क्षेत्र में कोविड-19 वायरस संक्रमण की जांच हेतु सिविल सर्जन को निर्देशित किया गया है। रोरो माइंस में प्रदूषण के कारण जो प्रभावित परिवारों के संबंध में एक PIL उच्च न्यायालय में दायर किया गया है और उच्च न्यायालय के डायरेक्शन के आलोक में अभी एक कमेटी भी गठित की गई है। उस कमेटी के माध्यम से उस क्षेत्र में जो प्रभावित परिवार हैं उनके लिए जो राहत कार्य किया जाना है इस संबंध में लगातार पर्यवेक्षण किया जा रहा है। उसी कमेटी का आज बैठक हुआ। जो सिविल वर्क जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ वहाँ करना है इस संबंध में उप विकास आयुक्त ने बताया है कि अभी जो संबंधित विभाग है क्योंकि लॉकडाउन के कारण वहाँ कार्य नहीं हुआ था, अभी कार्य वहाँ शुरू होने की स्थिति में है। इसी तरह वन विभाग के द्वारा जो भी काम करना है उसमें ज़्यादातर कार्य खत्म हो चुका है और कुछ कार्य प्रगति पे है। और जो जो व्यक्ति जिनका मेडिकल टेस्टिंग कराया गया है उनको सिलिकोसिस के बारे में भी टेस्टिंग कराने के बारे में हम लोग निर्णय लिए हैं। इसका अंतिम रिपोर्ट आना बचा है, तो रिपोर्ट आने के बाद अगर कोई व्यक्ति सिलिकोसिस से प्रभावित अगर होते हैं तो उनको किस तरह का मुआवजा का प्रबंधन करना है और उनका इलाज कैसे कराना है इस समय में भी चर्चा की गई। और जो क्षेत्र में जहाँ जो सेडिमेंट्स जो पानी के कारण नीचे निकलने का संभावना है वहाँ एक गड्ढा करके उसमें भरने का भी हम लोग एक प्लान बनाए हैं। उस संबंध में भी कार्य में तेजी गति से करने के लिए हम लोग निर्णय लिए हैं। और इस क्षेत्र में कोरोना के संबंध में भी क्योंकि कोमोरबिडिटी भी ज़्यादा है, अगर कोई सिलिकोसिस संबंधित या कोई इस तरह का अगर कोई पेशेंट रहता है उनको भी कोई रिस्क ज़्यादा रहता है, तो उस गाँव वैश्विक महामारी कोविड-19 से बचाव के लिए केंद्र सरकार की ओर से जारी लॉकडाउन में लोगों की लगातार ऐसा रुमटा ग्रुप मदद कर रहा है। ऐसा रुमटा ग्रुप के सहयोग से मारवाड़ी सम्मेलन चैबासा इस संकट की घड़ी में निरंतर लोगों का सहयोग कर रही हैं। ऐसा रुमटा ग्रुप की ओर से चलाए जा रहे इस अभियान के तहत लॉकडाउन के 43वें दिन तक 19,865 परिवारों को राशन सामग्री, भोजन, मास्क, सैनिटाइजर, दवा और ग्लव्स उपलब्ध कराया गया है। शहर के प्रतिष्ठित समाज सेवी और उद्योगपति घराना के द्वारा
उपलब्ध कराए गए सामग्री का वितरण सीआरपीएफ की 197, 174 और 60 बटालियन, जिला बार एसोसिएशन, रोटरी क्लब, चैम्बासा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, लायंस क्लब, मोदी आहार, पत्रकार एसोसिएशन के अलावे अन्य संगठन के माध्यम से किया गया। इस संकट काल के समय ऐसा रुंगटा ग्रुप की ओर से गरीब, असहाय और जरूरतमंद लोगों के बीच पहुंचाया गया। मदद से लोग काफी लाभान्वित हुए हैं। लॉकडाउन के कारण रोज कमाने वाले लोगों को अनाज, चूल्हा नहीं जलने वाले घरों में भोजन और कोरोना से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर भी दिया गया। मारवाड़ी सम्मेलन के पदाधिकारियों ने कहा कि जब तक लॉकडाउन जारी रहेगा तब तक ऐसा रुंगटा ग्रुप के सहयोग से लोगों की निरंतर सेवा जारी रहेगा। सम्मेलन के द्वारा लॉकडाउन के अनुपालन में 22 केंद्रों पर तैनात पुलिस पदाधिकारी और जवान को भोजन और पानी उपलब्ध कराया गया। मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष अनिल मुरारका, नारायण पाड़िया, अशोक विजयवर्गी, अमित मित्तल, धीरज अग्रवाल, पवन चांडक, अशोक नेवटिया, रमेश खिरवाल, अनूप केड़िया, रविंद्र बांगड़ी, रुपेश अग्रवाल, मनोज शर्मा, मनोज जोशी, राजकुमार मुंद्रा के सहयोग से लोगों तक यह सेवा पहुंचाया जा रहा है। ऐसा रुंगटा ग्रुप के सहयोग से सिर्फ भोजन ही नहीं, इसके अलावे बच्चों को पैंट शर्ट, चप्पल, छाता और गमछा भी दिया गया। वहीं जानवरों को भोजन दिया गया। चैम्बासा गौशाला को 4 टन पत्ता गोभी, 1 टन खीरा उपलब्ध कराया। शहर के विभिन्न वार्डो में वार्ड पार्षद के माध्यम से 1378 परिवारों के बीच चावल, आटा, आलू, तेल, नमक, मसाला का वितरण किया गया। लॉकडाउन के दौरान ऐसा रुंगटा ग्रुप ने हर वर्ग के लोगों को मदद पहुंचाया है। रुंगटा परिवार वैश्विक महामारी के संकट काल में लोगों को यथासंभव मदद पहुंचा रहा है। जिले के टोंटो थाना के कुराम सदा और लेसीमुती गांव के पास जंगल में अज्ञात व्यक्ति का सरकटा शव बरामद किया गया है। घटना की सूचना लेसीमुती गांव के मुखिया ने टोंटो थाना को दी है। पुलिस शव की पहचान करने में जुटी है। सरकटा होने के कारण शव की पहचान नहीं हो पा रही है। सदर अनुमंडल चैम्बासा में 5 मई की संध्या 7 बजे से धारा 144 लागू कर दिया है। लॉकडाउन 3 में संध्या 7 बजे से सुबह 7 बजे तक घर से बाहर निकलने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय और झारखंड सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा 3 मई को निर्गत आदेश के अनुपालन के लिए सदर एसडीओ परितोष कुमार ठाकुर ने यह आदेश जारी किया है। उन्होंने जारी आदेश में 65 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्ध, 10 वर्ष के बच्चे और गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर निकलने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। अत्यंत आवश्यक परिस्थिति में मेडिकल इमरजेंसी में ही बाहर निकलने की छूट दी है। इसके अलावे घातक हथियार, विस्फोटक पदार्थ, नाजायज मजमा, जुलूस, लाउडस्पीकर और अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाने पर मनाही कर दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा शुरू की गई 3 महत्वाकांक्षी योजनाओं को जिले में सफल बनाने को लेकर उपायुक्त अरवा राजकमल और उप विकास आयुक्त आदित्य रंजन ने पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना और वीर शहीद पोटोहो खेल विकास योजना का सफल क्रियान्वयन मनरेगा के तहत कराने को लेकर चर्चा की गई। बैठक के दौरान उपायुक्त ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण के दौर में तीनों महत्वाकांक्षी योजनाओं की जिले में संचालित होने से श्रमिक और वैसे प्रवासी श्रमिक जो संपूर्ण तालाबंदी के दौरान अपने गृह जिला में लौट रहे हैं, सभी को रोजगार उपलब्ध होगा और वह अपने स्थान पर आत्मनिर्भर बन पाएंगे। उप विकास आयुक्त ने बताया कि इन योजनाओं के शुरू होने से ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले श्रमिक तो आत्मनिर्भर होंगे ही, पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ खेल जगत में भी प्रतिभाओं को निखारने में काफी बल मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो महत्वाकांक्षी योजना के रूप में अभी उभर कर आई है इस त्रासदी में, वो है नरेगा। उसमें हम लोग 3 महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। एक हरित योजना है जिसमें हम लोग जो गांव को है वो हरा भरा बनाना है बागवानी स्कीम से। दूसरा जो मेजर स्कीम है वो वाटर रिजुविनेशन का है, उसमें नाली, TCB ये सब करना है। और तीसरा प्लेग्राउंड का है, हर पंचायत में एक प्लेग्राउंड बनना है। हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि जो बाहर से मजदूर आ रहे हैं और हमारे यहाँ भी जो गरीब लोग हैं और जो मजदूरी के लिए काम खोजते हैं,
उन लोगों को रोजगार हम लोग दे सकें। और ये बागवानी योजना से ऐसा होगा कि भविष्य में जो है किसी को बाहर काम करने के लिए जाने नहीं पड़ेगा, क्योंकि उससे प्रति वर्ष आमदनी ही 1,00,000 रुपये हो जाएगी। आशा है कि हम लोग जो मैन डेज है वो इम्प्रूव कर पाएंगे आने वाले सप्ताह में, और यहाँ के लोगों को और बाहर से भी आने वाले जो हमारे मजदूर भाई बहन बाहर काम करते हैं उनको भी आने के बाद हम लोग रोजगार दे पाएंगे। अंत में एक खुशी की बात यह है कि नरेगा का जो रेट है वो 194 रुपीज़ हो गया है, विच इज़ मोर देन अर्लियर। तो हमको लगता है कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें भाग लेंगे और जिला जो है एक फ्रूट बॉल के रूप में उभर कर सामने। अभी के लिए बस इतना ही, कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।